हाल ही के दिनों में आपने नोटिस किया होगा कि आपके आसपास जितने भी ड्राइवर्स थे वो अचानक से हड़ताल पर बैठ जाते हैं। मांग उठने लगती है कि जो नया कानून हिट एंड रन बना है उसे सरकार वापस ले या उसमें कोई सुधार लाए। इसके बाद अचानक से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म होने लगता है, सब्जियां महंगी होने लगती है क्योंकि आयात और निर्यात पर बड़ा गंदा प्रभाव पड़ता है क्योंकि परिवहन सेवा बिल्कुल ठप पड़ जाती है। लेकिन एक सवाल जो सभी के मन में उठता है वो ये कि आखिर ये हिट एंड रन है क्या जिसका विरोध देश भर के ड्राइवर कर रहे हैं। तो आज हम आपको इसी बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि भारत में हाल ही में लागू हुए हिट एंड रन कानून, जिसका मकसद दुर्घटना के बाद ड्राइवर को भागने से रोकना है, उसने ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट यूनियन के देशव्यापी हड़ताल को जन्म दे दिया है, जिसके चलते ट्रक और टैंकर ड्राइवर का 3 दिन का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इससे देश के कई हिस्सों में डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति की समस्या भी देखने को मिली। लेकिन एक सवाल जो उठा वो ये कि आखिर ये हिट एंड रन है क्या। तो आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के अनुसार जो ब्रिटिश कालीन भारतीय दंड संहिता का रिप्लेसमेंट है, उसके तहत अगर किसी ड्राइवर की लापरवाही से गाड़ी चलाने समय कोई गंभीर सड़क दुर्घटना हो जाती है और वो ड्राइवर पुलिस या किसी अधिकारी को इस घटना की जानकारी दिए बिना निकल जाता है, भाग जाता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है, जिसके लिए 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यानी इस चीज का इसमें प्रावधान किया गया है कि उस ड्राइवर को 10 साल की जेल होगी और 7 लाख रुपए तक का वो जुर्माना भरेगा। लेकिन वहीं वो इसकी जानकारी दे देता है किसी अधिकारी तो उसे इस सजा में कमी देखने को मिल सकती है। आइए अब आपको पुराने वाले कानून के बारे में बताते हैं। तो आपको बता दें कि भारतीय न्याय दंड संहिता में पहले हिट एंड रन जैसी घटनाओं के लिए कोई सीधा कानून नहीं था। हालांकि इसके बजाय ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए IPC की धारा 304A का प्रयोग किया जाता था, जिसके मुताबिक लापरवाही से किए गए किसी काम की वजह से अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अधिकतम 2 साल की जेल या जुर्माना हो सकता है। यानी उसमें नरमी बरती जाती थी और इस वाले कानून में सख्ती हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि जो नया कानून है हिट एंड रन, उसका विरोध क्यों हो रहा है। तो आपको बता दें कि नए हिट एंड रन कानून की आलोचना मुख्य रूप से दुर्घटना की जगह छोड़ने के लिए सख्त सजा के इर्द गिर्द केंद्रित है। यानी अगर वो भाग जाता है तो उसे सजा मिलती है उसके इर्द गिर्द है, क्योंकि नए कानून के मुताबिक ड्राइवर को 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपए तक का तगड़ा जुर्माना हो सकता है, जबकि पुराने नियम के तहत सिर्फ 2 साल की सजा और जुर्माना था, जो कि बहुत कम था। अब ड्राइवर इसे दोधारी तलवार समझ रहे हैं। अब समझिए कैसे, क्योंकि दुर्घटना भले ही पूरी तरह से उनकी गलती की वजह से ना हुई हो, लेकिन इसका खामियाजा उन्हें काफी ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा ट्रक ड्राइवरों को इस बात का भी डर है कि घायलों को अस्पतालों तक ले जाते समय उन्हें भीड़ की हिंसा का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसा कि आप मॉब लिंचिंग के मामले वर्तमान में देख रहे हैं, ऐसा उन्हें सामना करना पड़ सकता है। यानी ड्राइवर का कहना भी एक तरीके से सही ही है। यही नहीं, ड्राइवर का ये भी कहना है कि अगर हम इस नए कानून को मान भी लेते हैं तो पुलिस प्रशासन और व्यवस्था इतनी सही नहीं है कि वो सही तरीके से कार्रवाई करे। यानी पूरा इल्ज़ाम ड्राइवर पर लगना तो तय ही है, तो हम ऐसे कानून को माने क्यों, ये ड्राइवर का कहना है। जबकि कानून का क्या कहना है, सरकार का कहना है, तो सरकार कहती है कि सरकार ने उन लोगों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया है जो सड़क दुर्घटना करने के बाद मौके से भाग जाते हैं और पीड़ितों को मरने के लिए वहीं छोड़ जाते हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा था कि उन लोगों के लिए कुछ उदारता जरूर दिखाई जाएगी जो खुद से पुलिस को सूचित करेंगे और घायलों को अस्पताल पहुंचाएंगे। हालांकि अगर बात वर्तमान स्थिति की जाए तो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और सरकार के बीच अभी बातचीत होना बाकी है, उसी के बाद ये कानून चलन में लाया जाएगा, ऐसा महासचिव का कहना है।
लेकिन आज हम आपको एक सवाल पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि हिट एंड रन कानून जो बनाया गया है वो सही है या नहीं, या उसमें कोई कमी है, क्या उसमें सुधार लाना चाहिए। अपना जवाब, अपना सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।